आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में करौलबाग विधानसभा अंतर्गत गौशाला क्षेत्र के समाजसेवी गोपाल बाबू ने आम आदमी पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की। अपराह्न 3 बजे से प्रेम कुमार विद्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी तथा आदर्श कोली उत्थान मंच के अध्यक्ष पीपी कोली के कुशल संचालन में उपस्थित करौलबाग के विधायक विशेष रवि की अगुवाई में गोपाल बाबू ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों में अधिवक्ता अनिल पांडे, शिखा त्रिवेदी महिला विंग करामनगर विधानसभा अध्यक्ष, मनीषा पांडे महिला विंग उपाध्यक्ष, शिव बाबू पाठक जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद, नरेंद्र सिंह, संजय पांडे, राम नरेश त्रिवेदी, ओपी चांदना, लेखराज, राम नरेश पांडे अधिवक्ता सहित क्षेत्र के निवासियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। विशेष जोर देने पे आज की सभा का आयोजन किया गया और इस सभा के आयोजन में हमारे नरेंद्र बाबू जी जो कि ये इन्होंने विशेष सहयोग किया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और ये करौलबाग से ही जो है विशेष रवि जी के साथ बहुत अच्छे तरीके से अटैच हैं और हमारे बीच में है। चंद ही मिनटों में आज की सभा की जो अध्यक्षता हमारे करेंगे प्रेम कुमार विद्यार्थी जी जो कि वजीरपुर जैन कॉलोनी से हैं और उन्होंने पूर्व में ही आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, वह आने वाले हैं और दिल्ली प्रदेश युवा कोली कोरी समाज के दिल्ली प्रदेश स्टेट कमेटी के अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच। मैं विद्यार्थी जी का भी स्वागत करता हूँ, ये आज की अध्यक्षता जो है वजीरपुर से है हमारे गोपाल बाबू जी उनको आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें आप सबका स्वागत। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस एरिया में हम बैठे हैं ये पूरी समाज का गढ़ है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पार्टी कुछ लोग हमारे जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं बहुत अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जिसमें हमारे रमेश आर्य जी हैं, प्रिंस कोहली जी हैं और भी नाम मैं सबके नहीं जानता, पर ये एरिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी इलेक्शन के लिए, चाहे वो मेंबर ऑफ अमेरिका हो। मैं सब एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पार्टियाँ तो बहुत आई हैं लेकिन वो पार्टी होती है जो जनता की सेवा करे, जनता के दिल में बैठ जाए और सब पार्टियों से अच्छी पार्टी मुझे यही लगी है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो काम किए वो आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं किए और जनता देखते हुए मेरा मन भी इसी पार्टी जुड़ने के लिए कहा, पार्टी में जुड़ने के लिए तो बहुत दिन से कर रहा था लेकिन मुझे ढंग की कोई पार्टी नजर नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी में मुझे विश्वास लगा है और मैं उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर के उनकी सेवा करूंगा और जैसे ही मेरा होगा काम मैं उनके वो करूंगा, उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करूंगा और मैं यही करूँगा क्योंकि इन्होंने बहुत काम किए हैं। देखिए बसों के भीतर महिला के लिए जो किराया फ्री कर दिया है, अस्पतालों की कंडीशन है ठीक कर दिए हैं और जो है शिक्षा के स्कूलों के भी इन्होंने बहुत कुछ किया है और ये सब तमाम बहुत से जो कार्य किए हैं मैं इनसे बहुत प्रसन्न हूँ और इसी वजह से मैं इस आम आदमी पार्टी में जुड़ने की मेरी कोशिश की है। मैं आम आदमी पार्टी में सफलता दी, मैं विशेष रूप के साथ जुड़ूँ तो वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई। इस बहुत खुशी का मौका है करौलबाग विधानसभा के अंदर गोपाल बाबू जी आज आम आदमी पार्टी के हमारे विधानसभा परिवार में आज है कि इनका जो अनुभव है जो सरकारी कार्यालय में काम करने के बाद जो इनको जीवन भर में जो अनुभव ग्रहण किया है उसका फायदा जो है वो हम सभी को होगा, हम उनको शुभकामनाएँ भी देते हैं और इन साथ साथ इस मौके पर इनसे आग्रह करते हैं कि वो जो इनका सरकारी महकमे में काम करने का जो अनुभव है उसका वो यहाँ की जनता को लाभ पहुँचाएँ, चाहे वो हमारे कार्यालय में समय दें या यहाँ इलाके के अंदर जो है लोगों की मदद करें, जैसे भी
हम सबका उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, उनकी मदद करना है। तो उनसे निवेदन यही रहेगा कि स्वागत तो आपका हम करते ही हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ वो आपका जुड़ना सार्थक तभी होगा जब आप अपने अनुभव से और अपने समय से लोगों की भलाई के अंदर आप जो है सहयोग करेंगे। विधायक जी, आज यहाँ आप आए, आपका अभिनंदन और स्वागत। क्या उद्देश्य था यहाँ आने का? उद्देश्य यही था कि आज हमारे इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ व्यक्ति जिन्होंने सरकारी महकमे में अपना पूरा जीवन दिया और वो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, वो जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से, तो उनको पार्टी में शामिल करने के लिए स्वागत कार्यक्रम रखा गया। उसी उद्देश्य से अभी पार्टी ने चार निगम पार्षदों की सीटें विजय पाई है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही स्वाभाविक था जो हुआ है। ये जो काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कर रही है, इस तरह से मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्रीगण, सभी में आम आदमी पार्टी के विधायकगण लोगों की सेवा में लगे हुए, उसके बाद तो ये बहुत स्वाभाविक था। और आने वाले जो निगम के चुनाव हैं 2022 में, उसमें भी बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलेगा, वो भी बहुत स्वाभाविक होगा। आम आदमी पार्टी आज आप यहाँ उपस्थित हुए, यहाँ पार्टी में शामिल किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी की नीतियों को पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों से यही नहीं, गोपाल जी तो हमारे बड़े पुराने जानने वाले दोस्त हैं, मित्र हैं और बहुत बच्चे की तरह प्यार करते हैं, और इनका वर्षों का अनुभव MTNL में जो है वो पार्टी के काम आएगा। जो उन्होंने अनुभव अर्जित किया है उसका लाभ पार्टी को करोलबाग के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, आम आदमी पार्टी को मिलेगा, और इन्होंने उस पे आस्था पे विश्वास करते हुए अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों पे, उनकी नीतियों पे, उनकी रीतियों पे भरोसा करते हुए आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। गोपाल जी का हार्दिक अभिनंदन है। और अभी हाल ही में पार्टी ने 5 सीटों में से 4 सीटें जीत करके ये दिखा दिया कि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी पे कितना भरोसा रखती है। अभी आपने कहा 5 में से 4 सीटें जीती है, 1 सीट किसके लिए छोड़ी? एक सीट छोड़ी नहीं, जनता ने, हो सकता कहीं से हमारी गलती हो रही हो, कहीं हमारे विधायक या हमारे कार्यकर्ताओं से चूक हुई हो, हम सेवा में कहीं छूट गए हो पीछे, उस पर हम एनालाइज कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और उस पर भी सुधार करेंगे। पार्टी में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पार्टी ने इस दिल्ली में जो काम करके दिखाया है वो किसी पार्टी ने काम नहीं किया, और मुझे विश्वास है कि ये पार्टी आगे भी बढ़ेगी और कोशिश हम करेंगे कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने में अपने तन मन धन से इनका सहयोग देंगे, और हम ये चाहेंगे कि ये आम आदमी पार्टी जो काम करिए जनता के लिए और ये आगे बढ़े। आप यहाँ आज शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, जबकि यहाँ एक व्यक्ति को शामिल किया गया है? पार्टी के कामों से खुश होकर, जो भी है उन्होंने पार्टी के नीतियों को देख के, शिक्षा उन्होंने बता दिया सारे कामों को, तो पार्टी ज्वाइन कर लिए, इनके स्वागत के लिए हम भी गाजियाबाद से चल के यहाँ। नरेंद्र जी, आज आप यहाँ मौजूद हैं, जिस तरह से पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं, क्या कहना चाहेंगे? खुशी व्यक्त कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे? सर, हम तो सेवा के लिए हैं और सेवा के लिए आए हैं और सेवा करते रहेंगे, और 5वीं सीट पे जो हमारी चूक हुई है, हम कोशिश करेंगे 2022 के अंदर उसको भी जीत पर लाकर और लोगों की सेवा करें। आज आप क्या मौजूद हैं यहाँ, महिला जो विंग है यहाँ कुछ कमी रही मुझे लगता है, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कमी रही? सोनी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पार्टी का जो नेतृत्व जिस तरह से कर रहे हैं दुर्गेश भाई, हमारे दुर्गेश पाठक जी, अरविंद केजरीवाल जी, तो उसमें काफ़ी लोग हमारी पार्टी की नीतियों को देख के और पार्टी की विचारधारा को पसंद करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि आज एक गोपाल बाबू जी हमारे साथ पार्टी ज्वाइन किए हैं करोलबाग से, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जब हमें मार्गदर्शन करने के लिए आएंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे इनके साथ मिलकर। तो कम से कम महिला शक्ति की बात है, जब हम लोग यहाँ पे एक नींव डाले हैं, जब नींव डलेगी तो फिर वो नींव की शाखाएं दूर दूर तक तैरेंगी, तभी हमारा एक संगठन बनके तैयार होगा। तो हमारी पार्टी बहुत अच्छा संगठन बना रही है और हम गोपाल बाबू को बहुत अच्छे से सपोर्ट करवाएंगे अब यहाँ के विधायक जी से, और विशेष रवि जी की मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने, मैंने एक कॉल किया और उन्होंने आके एट ए टाइम में भाई साहब को पार्टी ज्वाइन करवाई, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जहाँ पर निगम चुनाव के अंदर 1 सीट पार्टी हारी है,
और वहां पर क्या आपको नहीं लगता कि इतना सारा वोट केवल अकेले एक कांग्रेस प्रत्याशी ले गए, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही होगी? हो सकता है, उस पर भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं, इस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले काम टाइम में हम इस चीज को लेके बहुत तेजी से मजबूती से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 2022 में हम सारी सीटें जीते हैं विधानसभा के अंदर नगर निगम की, ये हमारा हम लोगों का मोटिवेशनल है। क्या कहना चाहेंगे उस सूरत में जब यहाँ किसी को शामिल किया गया? जो भी आम आदमी पार्टी के शामिल हुए हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और वो आम आदमी पार्टी में मिल के और हमारे साथ काम करेंगे और हमारा संगठन सपोर्ट करेंगे जितना भी हो सके। हम अपनी पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं और जो भी हम एक सीट जो जीत हारे हैं उसको हम आगे से और ज़्यादा प्रयास करें और ताकि हम 22 में हम अपना इलेक्शन पूरे मतलब आम आदमी पार्टी ही जीते और ये हम महिलाएं सब मिलके बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो भी महिला संगठन है वो और ज़्यादा मजबूत रहे, महिला नारी में बहुत शक्ति होती है, वो बहुत कुछ कर सकती है और आगे भी कर सकती है। महिला शक्ति जिंदाबाद। आप बताइए महिला शक्ति को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिला शक्ति को जागरूक करने के लिए हमें यही करना चाहिए कि जो कमी रह रही है हमारे अंदर उन्हें पूरी करें ताकि आगे वाले इलेक्शनों में हमारे पूरे।